महाराष्ट्र की उपराजधानी, राज्य का तीसरा और देश का तेरहवां बड़ा शहर, मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर नागपुर तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यातायात का समय कम करने और दुर्घटना मुक्त शहर बनाने हेतु शहर से जाने वाले राजमार्ग पर फ्लाईओवर बनाने का संकल्प केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इन्होंने किया। लिबर्टी पागलखाना चौक, चिंचभुवन फ्लाईओवर, बंजारी नगर फ्लाईओवर, अजनी चौक से एयरपोर्ट चौक तक बनाया गया डबल डेकर पुल, उसी से संलग्न मनीष नगर फ्लाईओवर एवं अंडरपास, कामठी मार्ग पर एलआईसी चौक से ऑटोमोटिव चौक तक निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर और पारडी फ्लाईओवर की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। राजमार्ग 53 यानी अमरावती मार्ग पर सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभाग के माध्यम से बोले पेट्रोल पंप चौक से राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर चौक तक 2.85 किलोमीटर लंबाई वाला आरटीओ फ्लाईओवर और 1.9 किलोमीटर लंबाई वाला वाड़ी फ्लाईओवर नागपुर की नींव रखी जा रही है। बढ़ती ट्रैफिक से निजात पाने के दृष्टि से माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने की हुई ये एक पहल है। इन दोनों फ्लाईओवर का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आरटीओ फ्लाईओवर आरटीओ चौक, लॉ कॉलेज चौक, रविनगर चौक, भरतनगर चौक, फुटाला तालाब चौक से गुजरते हुए नागपुर विश्वविद्यालय चौक पे उतरेगा। वाड़ी फ्लाईओवर की रचना काटोल बाईपास पॉइंट, एमआईडीसी पॉइंट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पॉइंट पर होने वाले यातायात समस्या से निजात पाने के दृष्टि से की गई है। ये दोनों फ्लाईओवर अमरावती मार्ग के जिन जंक्शनों से गुजर रहे हैं वहां की यातायात समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। नागपुर शहर में अमरावती मार्ग से प्रवेश करने वाले वाहनों के कारण ये समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। वाहनों की गति के कारण दुर्घटना की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नागपुर शहर के बाहर निकलने वाले या प्रवेश करने वाले वाहनों को इन दोनों फ्लाईओवर के कारण सुविधा होगी। आरटीओ फ्लाईओवर आधुनिक तकनीक से निर्माण किया जाएगा। इन फ्लाईओवर के कारण केवल यातायात समस्या का हल ही नहीं मिलेगा बल्कि शहर के सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। इस फ्लाईओवर की कई विशेषताएं हैं। मेट्रो शहर को ध्यान में रखते हुए तकनीक, सुविधा और सौंदर्य का मिलाप इस फ्लाईओवर में दिखाई देगा। 4 लेन के आरटीओ फ्लाईओवर की लंबाई 2.85 किलोमीटर रहेगी। आरटीओ चौक, लॉ कॉलेज चौक, रविनगर चौक, भरतनगर चौक, फुटाला लेक चौक और यूनिवर्सिटी चौक से गुजरता हुआ ये फ्लाईओवर यूनिवर्सिटी कैंपस के आगे उतरेगा। इस फ्लाईओवर की चौड़ाई 17.2 मीटर रहेगी। इस फ्लाईओवर के लिए 960 स्क्वायर मीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस फ्लाईओवर के नीचे आने वाले 6 जंक्शन यातायात की दृष्टि से सुविधाजनक और आकर्षक बनाए जाएंगे। नीचे वाले मार्ग के दोनों बाजू में 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ एवं 2 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक विकसित किया जाएगा। फ्लाईओवर पर और नीचे डिवाइडर पर आकर्षक लैंडस्केपिंग, स्तंभ पर आकर्षक कलाकारी, संस्कृति दर्शन, वर्टिकल गार्डन, डिवाइडर के बीच म्यूरल्स इस फ्लाईओवर और परिसर की सुंदरता को बढ़ाएगा। फ्लाईओवर एवं उसके नीचे का मार्ग और परिसर एलईडी स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभाग द्वारा प्रस्तावित ये फ्लाईओवर नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र में अंतर्भूत होने के कारण शहर की सुंदरता में 4 चांद लगे, इस तरह से इसके निर्माण की योजना बनाई गई है। वाड़ी फ्लाईओवर की रचना भी कुछ इस तरह से ही रहेगी। काटोल बाईपास जंक्शन से पहले शुरू होकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जंक्शन के आगे उतरने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई 1.9 किलोमीटर रहेगी। ये फ्लाईओवर काटोल बाईपास जंक्शन, वाड़ी जंक्शन एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजरी गेट जंक्शन के ऊपर से गुजरेगा। आरटीओ फ्लाईओवर से उतरने के बाद वहां से सीधे वाड़ी फ्लाईओवर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आगे उतरने तक की लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जो मात्र आरटीओ फ्लाईओवर से उतरने के बाद वाड़ी फ्लाईओवर से जाते हुए 3 मिनट में काटी जाएगी। 4 लेन वाले वाड़ी फ्लाईओवर की चौड़ाई 19.50 मीटर रहेगी। इस फ्लाईओवर के नीचे आने वाले तीनों जंक्शन को यातायात सुविधा की दृष्टि से तैयार किया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे वाले मार्ग के दोनों तरफ 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ निर्माण किया जाएगा।
डिवाइडर पर लैंडस्केपिंग, स्तंभ पर पेंटिंग, वर्टिकल गार्डनिंग, म्यूरल्स, ऊपर और नीचे वाले मार्ग पर एलईडी लाइट्स आदि इस फ्लाईओवर की विशेषता रहेगी। इन दोनों फ्लाईओवर के चलते अमरावती मार्ग की यातायात का संचलन सुचारू रूप से होगा। दुर्घटना मुक्त शहर का सपना साकार करने में इन दोनों फ्लाईओवर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। नागपुर शहर के विकास में जुड़ने वाले इस नए अध्याय का काम जल्द ही शुरू होगा। विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके अथक प्रयासों से साकार होने वाले इन फ्लाईओवर का भूमि पूजन उन्हीं के हाथों हो रहा है। आइए इस नए अध्याय से जुड़े, विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। माननीय नितिन जी गडकरी, इनके प्रदूषण मुक्त, दुर्घटना मुक्त एवं पर्यावरण युक्त नागपुर के सपने को साकार करें।